ज्यादातर डेवलप्ड देशों में अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको कमाल के अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। जैसे कि फिनलैंड देश का ही एग्जांपल ले लो, आपको 800 यूरो पर महीना यानी अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपए महीने के फ्री में दिए जाते हैं सरकार के द्वारा अगर आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो। ऐसे में सवाल उठता है कि लोग जॉब करना ही क्यों चाहेंगे। इसका जवाब छुपा है दोस्तों सरकार के द्वारा बनाए गए सिस्टम में। फिनलैंड का ही एग्जांपल ले तो इनके अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे एक मैक्सिमम लिमिट है 400 दिन की, करीब एक साल तक ही आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा, आपको अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए जॉब सीकर कि आप एक्टिवली जॉब्स को ढूंढ रहे हो। हर महीने आपको सरकार को अपडेट देना पड़ेगा कि आपने इतनी जॉब एप्लीकेशंस फाइल करी और रिजेक्शन मिली उन सारी जॉब एप्लीकेशन से, ये सरकार को दिखाना पड़ेगा एज ए प्रूफ अगर आपको बेनिफिट्स लेने हैं तो। तीसरा, आपको बेनिफिट्स तभी दिए जाएंगे जब आपकी एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी। अगर नहीं है तो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा जो कि फ्री होगा हालांकि। तो बेसिकली सिस्टम डिजाइंड ही इस तरीके से है कि जिन लोगों को जरूरत है उन्हें फायदा मिले और जो लोग इसका मिसयूज करना चाहते हैं वो ना कर पाए।